कैसे देखें वर्ल्ड कप और एशिया कप। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस वीडियो में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। देखिए एशिया कप का आयोजन अगस्त सितंबर के टाइम पर होगा और वर्ल्ड कप जो कि इंडिया का त्योहार माना जा रहा है, जो कि इस साल सबसे बड़ा इवेंट माना जा रहा है, ओडीआई वर्ल्ड कप अक्टूबर के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग फ्री में इन सारी चीजों को या दो इवेंट्स, दो बड़े इवेंट्स को कैसे देखे। फ्री में आप जो है हॉटस्टार पर ये दोनों ही इवेंट्स देख सकते हैं। हॉटस्टार वालों ने अपना सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिया है, यानी आप एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 का लुत्फ जो है वो फ्री में उठा सकते हैं। वो हॉटस्टार वालों ने इसलिए किया है क्योंकि आप जानते हैं अभी हॉटस्टार डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे WTC का फाइनल चल रहा है। ये WTC का फाइनल जो है वही लोग देख सकते हैं जिनके पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन होगा। अब जिनके पास हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन नहीं है वो लोग फाइनल नहीं देख सकते, वो लोग फाइनल का मजा लुत्फ नहीं उठा सकते। इसलिए हॉटस्टार वालों ने ये सोचा कि देखिए जब जियो सिनेमा फ्री में दिखा सकता IPL का पूरा सीजन 2.5 महीने, तो हम क्यों नहीं दिखा सकते। ऊपर से अगर आप अभी देखेंगे WTC का फाइनल का जो पूरा पूरे लोग हैं, कितने लोग की देख रहे हैं, सिर्फ 10 से 12 लाख लोग देख रहे हैं WTC का फाइनल। वहीं इतना तो भैया IPL के टाइम पे जब दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का मैच चलता था, बड़ा बोरिंग मैच चलता था, तब इतने लोग देखते थे। आपने देखा होगा जियो सिनेमा में 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ तक व्यूअरशिप जाती है। तो इसीलिए हॉटस्टार वालों ने सोचा कि भैया क्रिकेट को प्रमोट करने का इससे बेटर तरीका और ज़्यादा अपने सब्सक्राइबर लाने का इससे बेटर तरीका क्या हो सकता है कि आप इंडिया के दो बड़े इवेंट यानी एशिया कप और वर्ल्ड कप आप फ्री में दिखाएंगे। तो आपको अब सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अब आप फ्री में देख सकते हो। और एक चीज़ अच्छी भी है क्योंकि देखिए जब आप फ्री में देखेंगे, जब आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो गांव-गांव में दूर-दूर से लोग देखेंगे। जैसे हमने IPL में देखा था कि गांव-गांव तक भी IPL की व्यूअरशिप पहुँच रही थी, गांव-गांव तक भी लोग देखते हैं जहां पर उनको पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने होते। तो इसीलिए शायद वर्ल्ड कप और एशिया कप एक बढ़िया मुहिम लेकर आएगा और क्रिकेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होगा। अब आपकी इसमें क्या है और कितना एंजॉय करने वाले हैं आप वर्ल्ड कप और एशिया कप, मुझे जरूर बताइएगा।